सो गाइज वेलकम बैक टू द चैनल। ये हमारे सन्नी भाई हैं। सन्नी भाई हेलो कर दो पहले तो चैनल गाइस। और ये भी बहुत प्यार देते हैं, देखते हैं वीडियोस। पीछे हमारे निशान भाई साहब आ गए हैं, इनको तो आपने देखा। और गाइज ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि अभी हम लोग जिम कर रहे थे, पर हम में से कोई भी जो है वो जिम के मूड में लग नहीं रहा। निशान भाई जब से आए हैं तब से कुछ और ही मूड हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये तुम लोग पे छोड़ दो, तुम समझो किस चीज़ का मूड हो रहा है, क्या हो रहा है। पर ये है कि थोड़ा स्विंग कर रहे हैं, देख लो ये डोला दिखाते रहते हैं साथ में। और सन्नी भाई बहुत दिनों बाद आए हैं जिम के अंदर, देख लो हाइट देख लो पहले तो, 6 फुट 2-3 इंच पंजाबी जवान है भाई हमारा, बहुत जवान है और बहुत फन लविंग इंसान है। मजे करते हैं, हम बहुत मजे कर रहे थे। अभी वर्कआउट फील नहीं हो रहा कि वर्कआउट हो रहा है, आधा घंटा तो देखो खराब होने वाला है पहले तीनों का, क्योंकि वर्कआउट बाद में होगा। और जो गाने चल रहे हैं अभी, गाना सुना रहे थे, तेरा नाम कौन सा है, तेरा दीवानगी, तो फुल जो शाहरुख का गाना। और शाहरुख जो है ना माया माया माया, शाहरुख की ना तुम्हारा भाई बहुत अच्छी आवाज निकाल लेता है भाइयों को, मैं वही सुना रहा था। कैसे सोच लिया तुमने, तो ये भी कभी करेंगे, बट अभी बहुत फन चल रहा था। मैं सन्नी भाई को इंट्रोड्यूस किया चैनल पे कि भाई साहब आप भी आ जाएं, क्योंकि इनसे ही बड़ा प्यार है और मजा आता है जब भी मिलते हैं। जिम कम होता है जब आपके अपने मिल जाएं और यू नो वर्कआउट। तो मैं वही बोल रहा था कि निशान भाई आपने मूड तो कुछ और बना दिया ऐसी दीवानी की सुना के, पर वर्कआउट करना, वर्कआउट भी करना है ना। और हम एक जल्दी प्लान करते हैं एक डे आउट अपन तीनों कि हम लोग आपको वहाँ पे काफी ह्यूमर भी दे पाएंगे, और जो हम नेचुरली हैं क्योंकि जिम में उतना ही टाइम है और उतना ही दिखा रहे हैं, तो हम फन दिखाएंगे आपको पक्का। जो फन आएगा उसके साथ बहुत कुछ आएगा। और याद रखना, और सो वेलकम बैक गाइस, जिम हो चुका था और मैं आपको वेज में एक ज़बरदस्त मील दिखा रहा हूँ, जिसमें अभी मैंने उसमें एक वेजीज ऐड नहीं करी, जैसे कि ब्रोकली या फिर मैं बोलूँ खीरा। सो ये जो आपका मील है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, आप नॉनवेज नहीं खाते और नॉनवेज खाने की ज़रूरत भी नहीं है, बट अगर आपकी डाइट में ये दोनों चीज़ें हैं तो आपको वेज में, जैसे आज ट्यूसडे है, मैं ट्यूसडे वेज खाता हूँ, बट दिस इज़ अ गुड प्रोपोर्शन ऑफ प्रोटीन एज वेल एज कार्ब्स ही बोल लो, बट प्रोटीन बहुत हाई अमाउंट ऑफ है इन दोनों चीज़ों में, तो आप ये ऐड कर सकते हो। मैं ये बहुत खाना शुरू किया, मुझे अच्छा लगता है इनका कॉम्बिनेशन। सो ये आइटम है गाइस, बेसन का चीला या पूड़ा पंजाबी में बोलते हैं, विद आई थिंक 150 grams ऑफ प्रोटीन। अभी मैं पनीर प्रोटीन कह रहा हूँ, पनीर मैंने थोड़ा खा लिया है, बट मैंने कहा मैं वीडियो बनाना भूल जाता हूँ कई बार। आप ये आइटम वेज में खाएं, आप खीरा अपना कैप्सिकम और ब्रोकली या जो आपको वेजी ऐड करनी है साथ में कर लें अलग से, जैसे भी अगर ये आपका वेजीज के साथ आप ये खाते हैं, सो आई थिंक इससे ज़्यादा प्रोटीन और इससे बढ़िया डाइट आपकी हो नहीं सकती। चिकन विकन सब अपनी जगह है, वेज में ये चीज़, आप चिकन भी मत खाएं चाहें, आप ये ऐड कर लें पनीर के साथ। बेसन, बेसन में आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा बेसन में कितने गुण हैं और बहुत ही अच्छी चीज़ है। सो गाइज मंदिर में दर्शन हो गए हैं, और मेरे साथ स्वास्तिक अपना छोटा भाई, और संडे जो है क्रिकेट हमारा साथ होता है, पर आज भाई देखी तूने, आज ये देख रहा है तू किस तरह चैंटिंग हो रही है, और वो किस तरह जो वो था जय श्री राम और राम राम एक, और जो पर आरती शुरू हो गई, काफी बढ़िया माहौल हो रहा है। नहीं पर ये देखो कि आरती हो चुकी है, पर ये जो लोगों की हमारी जो भावना है, जो उन्होंने आरती दोबारा शुरू कर दी, और आई थिंक ऐसी जगह आप आओ हम और रन बनाए, और भगवान ऐसी कृपा करे कि हम टूर्नामेंट में काम आए हैं ना इस बार, क्योंकि टूर्नामेंट हम शादी खेलने की टीम में,
बहुत साल से की थी मैं खेल रहा था, उसका प्लान बना कि भाई आओ कुछ खा भी लेंगे और मंदिर में दर्शन भी हो जाएंगे। तो दर्शन कंप्लीट हो गए हैं, अब इसके बाद चलते हैं, देखते हैं क्या खाते हैं या फिर कहाँ घूमते हैं। चलिए गाइस मिलते हैं आपसे, जय श्री राम, जय श्री राम।